100 almost. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड यस, फाइनली मैं होली व्लॉग पोस्ट करने वाला हूँ। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक महीने पहले होली के टाइम पे बोला था दैट एक प्रॉपर मैं होली का व्लॉग बनाने वाला हूँ। एंड मैं सो अभी होली व्लॉग इज फाइनली आउट। एंड अभी आप देखोगे हमारी जो होली की प्रिपरेशन होती है एक बनारसी स्टाइल होली। एंड उसके पहले वाले दिन भी हमने शाम में एक बहुत ही तगड़ी वाली होली खेली है। सो वो भी मैंने पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश किया। एंड गाइज, मैंने वॉइस को डिटेक्ट कर दिया बिकॉज मुझे भी समझ नहीं आ रहा था हाउ टू हैंडल बैकग्राउंड नॉइज एंड ऑल, तो कॉपीराइट इशू ना आ जाए इस वजह से मैंने उसमें एक बेसिक सा वॉइस लगा दिया। बट आई होप आप सभी वो एंजॉय करोगे। स्पेशली लास्ट का चंक देखना मत भूलना यार, जहां पे मैंने अपनी जो जहां मेरा बचपन बीता है, जो बनारस की गलियां होती है ना, वो चीज मैंने दिखाने की कोशिश करी। दिखाने की क्या, जहां मैं रहता था बेसिकली अपने बचपन में, जहां मेरा पूरा बचपन बीता है, जहां पे आप सब वो चंक जरूर देखना। एंड मुझे बताना कि आप सबका क्या रिएक्शन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था कि मैं अपने जितना हो सकेगा अपने लाइफ को उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और रॉ रखने की कोशिश करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड डू कॉमेंट कि आपको कैसा लगा हमारा वो गेटअप देख के होली वाले दिन का। एंड बाकी जो भी मन लगे यार कॉमेंट करना, अच्छा लगता है, नया चैनल है। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी बहुत सारी चीजें आएंगी एंड बहुत सारी चीजें जल्दी आने वाली हैं, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है बट एडिट करना बाकी है। सो गाइज स्टिक विद मी टिल लास्ट एंड एंजॉय द वीडियो।
सिचुएशन ऐसी है कि होली अपनी जगह, बट बॉडी चेक, दिस इज द फिट चेक फॉर टुडे। बाकी तो यार बहुत भयंकर होली है। ऑनेस्टली होली कल है एंड ये एक दिन पहले का ये हाल है, सो आई एम नॉट इवन श्योर कि होली वाले दिन क्या होने वाला है। सो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें डलेगा मेन होली वाले दिन का व्लॉग, एंड आई एम नॉट श्योर कि कल का दिन मैं किस व्लॉग में कवर करने वाला हूँ, बट कल का दिन होने वाला है बहुत ही खतरनाक। दैट वॉज द थिंग, एंड मैं दिखाऊंगा आपको बनारसी होली प्रॉपरली कैसे हम सब जाते हैं, पूरे शहर भर में राउंड लगाते हैं, किस तरह से रेडी होकर जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी आई एम नॉट श्योर कि अभी ये पार्टी कब तक चलने वाली है, सो आई एम हियर, आई डोंट नो कब तक। बाकी आई ट्राई माय बेस्ट कि बिना कॉपीराइट लगे मैं सारी वीडियोस डाल सकूं, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइजेस थी, बहुत सारे म्यूजिक थे। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। पूरा पूल पिंक। क्या है भाई, गाइस इट्स टाइम फॉर द पैकअप और हम सब जा रहे हैं घर। ऑलरेडी हमने होली खेल रखी है बट अभी एक दिन और बाकी है। जेन्युइन होली तो कल होगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आई एम अपडेटिंग इट रियल सून। Okay guys, so very good morning to you all. और अभी है आज होली का पहला दिन, बट आई एम ऑल सेट टू एक्सपीरियंस वाराणसी's होली, एंड इसीलिए स्पेशली मैं मुंबई से बनारस आया था, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू मिस बनारस वाली होली। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा द प्रेप, तो वो भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और हम चल रहे नीचे, एंड यस बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आज। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे हैप्पी होली भाई। तो गाइस अभी आप सोच रहे होगे कि ये सिल्वर चीज क्या है जो हम सभी प्रेप कर रहे हैं जिसको लगाने का। सो बेसिकली ये है वार्निश, एंड जब भी हम इसे अपने फेस पर या बॉडी पर लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद जो भी कलर जब कोई सामने वाला हमें लगाता है तो वो हमारे ऊपर प्रॉपरली नहीं चढ़ पाता, जैसे फेस पे या हैंड पे, तो ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है होली के टाइम। सो दिस इज अ बेसिक रिचुअल। बाकी ट्रस्ट मी गाइस, जिस पक्के कलर से हम लोग खेलते हैं ना, ये टेक्निक भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, एंड अभी आप आगे वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लग ही जाएगा कि हमने जितना भी ट्राई कराओ रंग निकालना वॉज द टास्क। आपको कैसा फील हो रहा है? ये अभी लग गया है टू दैट ऑलमोस्ट। अरे भाई और अच्छे से दिशा में है। अरे टेढ़ा बन गया। ऋषभ का तो लग रहा है वो हॉलीवुड में नहीं होता जो वो करते हैं ऐसे आग से निकाल देते, सुपर सुपर हीरो वाला लग रहा है कुछ ये। सो इसी के साथ होती है हमारी होली की शुरुआत और हम सब पहुंच जाते हैं घाट, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में बता रखा है आपको, एक बनारसी की शुरुआत ही होती है घाट से, चाहे वो रोता हो, चाहे वो हंसता हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे उसका ब्रेकअप हुआ हो, और चाहे होली हो या कोई और फेस्टिवल, घाट पे आना इज अ मस्ट। तो उसी के साथ हम सब आ गए घाट पे, और घाट पे आपको बहुत तरह के अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, कुछ ग्लिम्स आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। बाकी ऑलमोस्ट पूरा बनारस ही इस घाट पे आ जाता है। बाय द वे दिस घाट इज 80 घाट विच इज क्वाइट पॉपुलर। जब हम सब घाट पहुंचे तो हमने देखा ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहां पे रायता फैला रहे हैं, एंड सब अलग अलग अटायर में, सब अलग अलग गेटअप में, कुछ तो होश में ही नहीं थे, एंड जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। बट आई थिंक दिस ईयर द क्राउड वॉज बेटर इन कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, सो वी आर गेटिंग बेटर।
तो पूरा शहर घूमने के बाद, ऑलरेडी सूखे रंग से खेलने के बाद, यहाँ आकर हो गया मसला कॉज। हमारे जीजू ने निकाल दिया पक्का रंग, एंड उसके बाद जो डिजास्टर हुआ वो आप आगे देखोगे। और भाई क्या हाल है? सब भाई, एकदम मेरे घर में शादी था, देख लो। और भाई क्या हाल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भाई आपको कैसा लग रहा है होली के लिए? बस कंपनी से ना निकाले हमको। और गाइस क्या हाल है? एक दर्जन रंग बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? एक दर्जन रंग बचा हुआ है। एक दर्जन भाई। और भाई और भाई हाँ, अब पता चलेगा कैसा लग रहा है। बस पानी और सूख गया भाई, अब तो बता रहो। अरे यार ये देखो, अरे भाई दांत देखो, अब तू तो बहुत ज्यादा लगा वीडियो बना रहा है। लड़कियां गिरेंगी कौन है भाई? भाई अब पहचान ही नहीं आ रहे। मेकअप लगा के सब कलर निकाल लेते हैं गाइस। इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली ये रिजल्ट है। बट आई डोंट थिंक के आज तक लाइफ में मुझे इतनी ज्यादा कलर लगी होगी जितनी मुझे आज लगी है, क्योंकि इस बार स्पेशली मेरे जीजू कहीं से कुछ स्पेशल रंग लेकर आए थे, उन्होंने वो रंग हमारे ऊपर यूज कर दिया है। तो एज यू कैन सी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इस पर अभी एक फाउंडेशन भी लगाया, उसके बाद मेरे फेस का ये हाल है। अदरवाइज यस, जैसा कि मैं कहता हूँ, हर बार मैं पैकिंग कर ही नहीं पाता, इवन दो आई हैव मल्टीपल कुर्ताज आउट देयर एट माय मुंबई वाला घर, बट अभी आई ओनली हैड दिस यहाँ पे, इवन दो ये मैंने पापा को दे दिया था। नाउ आई हैव नो ऑप्शन, तो मैंने यही वापस से पहन लिया है। एंड दिस इज माय वाराणसी वाला रूम। कल मैं रात भर यहाँ पर ऑडिशन शूट कर रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि आज जो मेरा हाल होने वाला है उसके बाद मैं कोई भी ऑडिशन शूट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं रात भर जगा था। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये कर दी कि मैं आज होली खेल कर आया, एंड उसी जैसा आप वीडियो में देख रहे थे, जैसा मैं दिख रहा था वैसे क्या वैसे ही सो गया। एंड उसके बाद 5 बजे मैं सीधा उठा, और वो जो रंग लगा हुआ था मेरे फेस पे ना, वो और ज़्यादा डार्क हो गया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा टफ हो गया निकालना। सो आई मेड अ मिस्टेक, पर कोई बात नहीं, इवेंचुअली 2-3 दिनों में, हफ्ते भर में मोस्ट ऑफली निकल जाएगा। आई थिंक मेरे मुंबई पहुंचने तक बहुत हद तक सही हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, बिकॉज यू नो फेस ना शूट हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। सो दैट्स द थिंग गाइस। बाकी लेट्स हेड टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स होम। देख किधर चलना है, अरे किधर चलना है भाई, अरे हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली गाइस। अरे यार तुम क्यों नहीं नहाए यार? हम जो आप लोग नहलाए वो अभी तक। अच्छा अभी इंटैक्ट है जी। नहीं ये लड़का चमक रहा है, ये भी चमक ही रहे हैं। असली करामात इन्हीं की है जिन्होंने नागपुर से जो रंग लाए है ना। तो गाइस होली इज ऑलमोस्ट डन, इट्स ऑलरेडी 12:25, तो होली तो खत्म है भैया। अच्छा होली 3 दिन मनाते हो, चलो ठीक है।
सो गाइज, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था दैट आई विल शो यू माय बचपन का घर, सो दिस इज द वन। एंड ये थी वो प्रॉपर गली जहां मैं रहता था, एंड ये था वो मकान जिसमें मैंने अपना ऑलमोस्ट पूरा बचपन बिताया है। तो यार, जिंदगी में आप जितने बड़े भी हो जाओ या आप जितने बड़े सपने देख लो, जब भी कोई ऐसी चीज जो आपके बचपन की बहुत खास चीज होती है वहां आप जाते हो ना, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है। तो सेम चीज मुझे यहां पर आकर लगता है। तो इसी के साथ गाइज, इस वीडियो का आ गया है एंड। सो आप सब प्लीज बताना कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।